सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का जो है वो तगड़ा सा सीन होने वाला है, क्योंकि एक दो राइडिंग पार्टनर्स हमारे पास ऐड हो गए हैं। अभी तक आपको दो राइडिंग पार्टनर्स मेरे साथ में देखने को मिलते थे, पहला था अमित और दूसरा था ललित। तो अगर स्टार्टिंग का वर्ड है वो आप जोड़ सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही फेमस सीन है वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा भाई हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, इंट्रोडक्शन ये खुद देंगे। हाय, माय नेम इज आनंद, आनंद नाम है भाई का। और ये यूज कर रहे हैं ड्यूक 390 लीनिंग जो है GFR रोड पे, बहुत तगड़ी करी है इन्होंने। बट अभी तक हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, बिकॉज लाइटिंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। हम बहुत जल्दी आ गए थे, 4:30 बजे इकट्ठे हो गए थे, अभी 5:30 हो रखे हैं। तो लाइटिंग कंडीशन जैसे जैसे अच्छी होगी और व्यूज मैं आपको शो करने आता हूँ। उसके अलावा अभी हमारे साथ साहिल है, जो पहली बार राइड पे आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट 15 मिनट का? तो ये हमारी बाइक्स है, बहुत सेक्सी सा माहौल हो रखा है। और अभी हम जा रहे हैं मांगर बनी। पीछे की साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर देना, क्योंकि रोड चल रहा है और बहुत सारी गाड़ियां और ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं। रोड के नहीं चलता है। अच्छा, रोड नहीं चल रहा, गाड़ियां चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, तो उनका साउंड आपको सुनने को मिलेगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। अभी आगे के जो व्यूज हैं वो मैं आपको शो करने वाला हूँ। और GFR रोड पे अगर आप लीनिंग करना चाहते हैं, रेसिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से होते हुए ही आपको मांगर बनी जाना पड़ेगा। पूरा रास्ता आप गूगल मैप कर सकते हैं, और उसके अलावा आगे के व्यूज मैं आपको आगे शो करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे। क्या दे रहा है ललित, क्या दे रहा है कुत्ते को? मैं कुछ नहीं दे रहा। नहीं बताना। नहीं बोल, लॉलीपॉप देने वाला था। देखो, नहीं बोलना, कैमरे के सामने बोल। पुच्ची दे रहा है, पुच्ची। देखो कहाँ जा रहा है, दिया गया भाई के बेंच बाइक को फेल देता हूँ। अच्छा एक चीज ये तो बताओ, इसकी हार्ट ब्रेक वाली कहानी तो सुना दे हमें। इसका हार्ट ब्रेक हुआ है भाई का, मूड बढ़िया था कि आप यहाँ एक पार्टनर लेकर आऊंगा, मस्त पिलियन, उसने धोखा दे दिया। लड़की ला रहा था, लड़की भाई, लड़की ला रहा था तू। यहाँ से जो है आपको गुड़गांव से राइट साइड में मांगर बनने के लिए रास्ता जाता है। हम जो है वो थोड़ा सा भूल गए थे, तो यू टर्न लेके आना पड़ा, क्योंकि रास्ता आगे निकल गया था। तो राइट साइड में मांगर बनी के लिए, मांगर विलेज के लिए जो है रास्ता जाता है। आप गूगल मैप्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रास्ता बीच में छोड़ देते हैं तो काफ़ी लंबा यू टर्न आपको लेना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप नेचर लवर हैं, आपको नेचर के करीब आना है, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, क्योंकि चारों साइड जो है ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बंदर वगैरह आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रास्ता अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, और आगे आने वाले जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। एंड सी द ब्यूटी, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लग नहीं रहा जैसे हम हरियाणा में हैं। देखिए घाटी, देखिए
सो नाउ वेलकम टू हरियाणा, एक और एडवेंचरस प्लेस आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। मेरे पीछे आपको सीनरी जो है वो देखने को मिल रही होगी, माइट बी कैमरा में आपको इतना अच्छे से देखने को ना मिले क्योंकि नॉर्मली जितना मेरे सामने मैं आंखों से देख सकता हूँ उतना इसमें नहीं शो कर पाऊंगा। बट राइट नाउ मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ पे मैं फील भी कर पा रहा हूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक हिल स्टेशन पे मैं आ गया हूँ। आपको फील भी नहीं होगा कि आप हरियाणा के मांगर विलेज में खड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा व्यू है। आई थिंक ये जो सामने है ये अरावली श्रृंखला है, माइट बी कैमरा में आपको ना मिले देखने को, एक बार जूम करके चेक कर ले तो ठीक है। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है पूरा यहाँ पे पहाड़ है और घाटी नीचे बनी हुई है, बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा नेचर के करीब आ सकते हैं और आगे और आगे चलेंगे, देखते हैं कि कैसे कैसी जगह आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये नीचे जाता है रोड और रोड में आपको शो कर देता हूँ। एक आपको ऐसे फील होने वाला है कि आप एक जो खाई है या फिर घाटी है उसमें उतरने वाले हैं। सो रोड है वो भी काफी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। सो अभी आनंद भाई की अगर मैं बात करूँ, ये जो है इनका बचपन बीता है कहाँ पे, सिक्किम में। उसके अलावा इन्होंने मतलब बहुत से स्टेट्स में रहे हैं, हरियाणा में ये नहीं रहे, वैसे बनारस से बिलोंग करते हैं। सो अभी इनको हमने जिम्मा उठाया है कि हम इनको हरियाणा के जो आसपास की चीज़ें वो घुमाएंगे, क्योंकि ये मेरे से मिले थे और मैंने इनसे बोला था कि आप आओ साथ में राइड करेंगे। सो अभी इनसे पूछते हैं कि जहां हम आए हुए हैं मांगर विलेज वो कैसा इनको लग रहा है। सो अभी आप बताएंगे मतलब आसपास का व्यू कैसा है। बहुत मज़ा आया चलाने में, गाड़ी भगाने में, सब चीज़ें पर वेरी फैंटास्टिक। और ये जो व्यू है मैं ऐसा फील नहीं कर रहा था, लाइक कि मैं सोचा नहीं था कि हरियाणा और दिल्ली के पास ऐसा व्यू मिलेगा, लाइक इट वाज अमेजिंग। सो एग्जैक्टली वही चीज़ मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आने वाली जब हम नीचे जाएंगे तो कैसा मेरे को व्यू मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन अभी जहाँ हम खड़े हैं व्यू बहुत फैंटास्टिक है। विजिट ज़रूर करना, देखना कि मांगर विलेज में आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है। सो गाइज अभी मांगर विलेज क्रॉस करने के बाद आप जैसे ही आगे जाते हैं एक रूट है ऑफ रोडिंग के लिए, वहां पे एक फार्म हाउस अवेलेबल है जिसका नाम है फार्म अरावलिया और ये मांगर विलेज के अंदर अवेलेबल है। अभी जो है इससे पहले पार्टी हो रही थी यहाँ पे तो मैंने वो शॉट्स नहीं लिए क्योंकि बेसिकली मुझे क्लबिंग वगैरह पसंद नहीं है। सो यहाँ पे इवनिंग पार्टीज वगैरह भी होती रहती हैं और आप अपने बर्थडे वगैरह के सेलिब्रेशन के लिए भी जो है इसको बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अभी कुछ एडवेंचर हम करने जा रहे हैं, एक्टिविटीज हम करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि राइट नाउ अगर हम कुछ पैकेज लेते हैं 600-800 के कुछ पैकेजेस हैं वो हम लेते हैं तो ब्रेकफास्ट और यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज, पूल और रुकने के लिए यहाँ पे आपको जो है कैंपिंग वगैरह मिल रही है तो वो आप कर सकते हैं। सो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और दूसरा यार अभी अभी नुकसान हो गया है, मेरा एक्सटर्नल माइक टूट गया है। सो अभी मैं दूसरा वाला एक्सटर्नल माइक यूज कर रहा हूँ तो माइक भी आपको साउंड में थोड़ा सा इशू आए, तो ये नॉर्मल माइक है, इसमें मुझे नहीं पता कि साउंड क्वालिटी कैसी आने वाली है। तो अभी देखो सामने ना पूरा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हम ऐसे लेके जाएंगे ऐसे लेके जाएंगे, मैं कह रहा हूँ मुझे भी जाना है, मुझे भी बता दो यार, मैं भी दूंगा 600 रुपए। गाइस पीछे आप सभी को देखने को मिल रहे हैं कैंपिंग और कुछ एक्टिविटी के लिए बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है शायद इसमें ना दिख रहा हो।
बट अभी राइट नाउ अभी हम निकल रहे हैं वापस, और नेक्स्ट संडे मैं दोबारा आऊँगा ताकि मैं पार्ट टू जो है वो शूट कर सकूँ और आप सभी को बता सकूँ कि जो मांगर विलेज है वहाँ पे फार्म हाउस है और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं ये, जो कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन के दौरान बताई है कि सिर्फ 600 रुपीज़ के अंदर मॉर्निंग राइड आप जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको जो ये करवाएंगे, और काफ़ी आपका जो है राइड वो एडवेंचरस हो सकता है। सो जुड़े रहिए पार्ट टू के लिए, नेक्स्ट संडे हम दोबारा आ रहे हैं और नेक्स्ट संडे यहाँ पे आपको पार्ट टू के साथ में अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो। फिर मिलते हैं, बाय। क्या बोल रहे हैं? हम 2 मिनट में बताते हैं भैया। ये कह रहे हैं कि जो एक्टिविटीज है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग पता चलेगा। सो टू बी कंटिन्यू है ना, टू बी कंटिन्यू, सेकेंड पार्ट में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके अलावा ग्लिम्प्स में आपको ऐड कर दे रहा हूँ कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं कैंपिंग की, ताकि आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तो पहले मैं आपको ग्लिम्प्स दिखा देता हूँ कि कैसा है यहाँ पर सारा कुछ। तो चलिए एक बार देखते हैं कैंपिंग और एक्टिविटीज़। और इसके अलावा इन्होंने बताया है कि पीछे कुछ है जो लेक वगैरह है और ट्रैकिंग है, उस पर भी हमें खुद लेके जाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे कि कहाँ पर कौन से लेक है और कौन सा व्यू है। हम भी इंस्ट्रक्शन लेंगे, बिना सोचे समझे हम नहीं जाएंगे। पहले हमें बताओ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। कैंपिंग भी करेंगे, पूल में भी जाएंगे, और खाना भी खाएंगे, पोहा भी खाएंगे, पूरी सब्जी भी खाएंगे, फिर ट्रैकिंग करेंगे। ओ सत्तर, पूरी सब्जी, साहिल सत्तर, दोनों ही तो नाम है तेरे। पूरी सब्जी खाऊंगा यार मैं।